सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मैंने आपकी वीडियो से कितना कुछ सीखा लॉकडाउन में आपको बता नहीं सकता मैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन सभी भाइयों की तरफ से जिन्होंने आपसे सीखा होगा, समझा होगा, जानकारी ली होगी, सबसे बड़ी बात है जानकारी ली होगी, उन सबकी तरफ से आपको थैंक यू बोलता हूँ। सर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था लॉकडाउन में, जब मैंने आपकी वीडियो देखी ना तब मेरे को समझ में आया कि ये जो आते हैं ना घर पे कलेक्शन वाले, एक्चुअली में ये बैंक की तरफ से नहीं होती है, 99% बैंक से नहीं होते हैं, जो बैंकर होते हैं वो आई कार्ड लेके आते हैं, इनके पास तो आई कार्ड भी नहीं होता। अच्छा, ये मैन हैंडलिंग भी नहीं करते, RBI की गाइडलाइन भी मैंने आपसे सीखी और मेरे जैसे जैसे कितने ही लोगों ने आपसे सीखा होगा। एक्चुअली में सर आज मैं जितना मेंटली स्ट्रांग हूँ ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, भगवान कसम सर, मैंने अपना बच्चा खो दिया 1.5 साल पहले, आपको एक एक लाइन सच कह रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में जा चुका था, नींद की दवाइयाँ लेता था, इतना टॉर्चर करते थे ये बैंक वाले, और बैंक वाले बोलूँ ये बैंक एजेंसी वाले जिनको कलेक्शन एजेंट जो होते हैं, ये इतना टॉर्चर करते थे सर, मेरी ज़िंदगी इन्होंने नर्क बना दी थी, और आज की डेट में मैं चैन से सुकून से सोता हूँ, पैसे होते हैं तो EMI देता हूँ, नहीं होते नहीं देता हूँ, साफ मना कर देता हूँ नहीं दूंगा, और सर कोई भी नहीं आता घर पर, ये इसकी वजह सिर्फ आप हैं सर, मैं हाथ जोड़ के आपको थैंक यू बोलता हूँ। अगर आप इतनी चीज़ें नहीं बताते और नहीं समझाते ना, ना मैं कभी सीख पाता, ना मैं समझ पाता, और मेरे जैसे ना जाने कितने ही लोग, आपकी वजह से हूँ मैं इतना स्ट्रांग सर। थैंक यू सो मच सर, आप एजुकेट करते रहे लोगों को, लोग आपके साथ जुड़ के आपकी वीडियो को देखकर, आपकी बातों को सुनकर जानकारी प्राप्त करते हैं, उनमें समझ आती है कि नहीं हमें डरना नहीं है, हमें सामना करना है। उधार ले लिया हमने बैंक से, हमने कोई पाप नहीं किया, अब लॉकडाउन आ गया, सिचुएशन ख़राब हो गई, एक दिन सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और सब जानते हैं, लेकिन समय का तकाजा है, ये समय ऐसा चल रहा है कि दो पैसे लोगों के पास नहीं है सर। लेकिन अगर कोई टॉर्चर करता है, माँ बेटियों को उल्टी सीधी बात बोलता है, फ़ोन कर करके गालियाँ देता है सर, तो उससे निपटने का तरीका आना चाहिए, वो तरीका हमने आपसे सीखा सर। थैंक यू सो मच सर।